एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं परवीन। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने लेके आया था भारतीय बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आइकन निशान है वहाँ पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बारी बारी में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए इस वीडियो को आपको किस प्रकार से रिविजन करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं प्रश्न बोलूंगा और उसके बाद उसका आंसर। तो मेरे आंसर बोलने से पहले आपको अपना आंसर अपने मन में सोच लेना है और जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं मालूम है उनको आपको याद कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न याद करने हैं। तो चलिए आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। इसके बाद है भारतीय नौसेना का सबसे पहले नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है रॉयल इंडिया मैरीन। इसके बाद है रॉयल इंडिया मैरीन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1663 में। इसके बाद है भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है चौथा स्थान। इसके बाद है भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है सातवां स्थान। इसके बाद है भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है पांचवा स्थान। इसके बाद है भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद है भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है तीन भागों में, थल सेना, वायुसेना व नौसेना में। इसके बाद है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। इसके बाद है थल सेना का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसके बाद है वायुसेना का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसके बाद है नौसेना का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसके बाद है जल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है एडमिरल। इसके बाद है थल सेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है जनरल। इसके बाद है वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है एयर चीफ मार्शल। इसके बाद है भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। इसके बाद है मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है सन 1947 में। इसके बाद है थल सेना को कौन कौन सी सात कमानों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है नंबर एक उत्तरी उधमपुर में, नंबर दो दक्षिणी पुणे में, नंबर तीन पूर्वी कोलकाता में, नंबर चार पश्चिमी चंडीगढ़ में, नंबर पाँच दक्षिण पश्चिमी जयपुर में, नंबर छः मध्यवर्ती लखनऊ में और नंबर सात है प्रशिक्षण कमान शिमला में। इसके बाद है नौसेना को कौन कौन सी तीन कमानों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है नंबर एक पूर्वी विशाखापट्टनम में और नंबर दो दक्षिणी कोचीन में और नंबर तीन है पश्चिमी मुंबई में। इसके बाद है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है पुणे में। इसके बाद है भारत में बनने वाला पहला युद्ध पोत कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है आईएनएस नीलगिरी। इसके बाद है भारत में बनी पहली पनडुब्बी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है आईएनएस सोलकी। इसके बाद है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है परमवीर चक्र। इसके बाद है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को। इसके बाद है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। इसके बाद है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है 4 दिसंबर को। इसके बाद है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर है खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। इसके बाद है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे भारतीय सैनिक एकेडमी भी बोला जाता है कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर है देहरादून में। इसके बाद है वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर हैदराबाद में। इसके बाद है इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है कोचीन में। इसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सन 1939 में। इसके बाद है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1965 में। इसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी भी बोला जाता है की स्थापना कब हुई थी। तो उसका राइट आंसर है सन 1948 में। इसके बाद है
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1969 में। इसके बाद है, होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1962 में। इसके बाद है, भारतीय वायुसेना एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर सन 1932 को। इसके बाद है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है वेलिंगटन नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। इसके बाद है, प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर है वाइस एडमिरल आर डी कटारी, जो कि 1958 में प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर है के एम करियप्पा, जो कि 1949 से 1953 के बीच थल सेना अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर है सुब्रतो मुखर्जी। इसके बाद है, प्रथम स्वदेशी निर्मित व स्वदेशी डिजाइन वाला प्रक्षेपात्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है पृथ्वी। इसके बाद है, भारत में प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो उसका राइट आंसर है बलदेव सिंह। इसके बाद है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपात्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है नाग। इसके बाद है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर है 1978 में। इसके बाद है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ व कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। इसके बाद है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो उसका राइट आंसर है जनरल के एम करियप्पा। इसके बाद है, भारतीय सेना में अंतिम कमांडर इन चीफ कौन था? तो उसका राइट आंसर है जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। तो ये थे दोस्तों भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा भारत में परिवहन एवं संचार व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप मेरी वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।